नमस्कार, आपका हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक अलग तरह का नाश्ता बनाएंगे, प्याज की कटोरियां। इसके लिए मैंने ये दो आलू उबले हुए लिए हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं, दो चम्मच मैदा, दो चम्मच ये कॉर्नफ्लोर, दो हरी मिर्चें, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और ये दो प्याज। सबसे पहले हम मसाला बना करके तैयार करेंगे। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखिए ये 50 ग्राम पनीर लिया है, इसको भी हम मैश करके डाल देंगे इस तरह से। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाट मसाला, लाल मिर्च, भुना पिसा जीरा, हरी मिर्च और ये कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे दो चम्मच और इसको हमें अच्छी तरह से मैश करना है। इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मिला करके तैयार करेंगे। ये देखिए सभी को मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरह से। अब हम इसमें ये महीन कटी हुई थोड़ी सी गाजर डालेंगे, महीन महीन काटी है, शिमला मिर्च आधी शिमला मिर्च है और थोड़ी सी ये हरी मटर, ये फ्रोजन है। और हम सभी को मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए सभी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको अलग कर देंगे, रख देंगे और प्याज काटेंगे। देखिए प्याज को काटेंगे इस तरह से, ऊपर की इसकी डंडी हमें हटा देनी है और इसके यहाँ से हम दो पीस करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया, उसका ऊपर का ये हमें हटा देना है। साफ कर देंगे इसको, पीछे से साफ कर लिया है। अब हम इसका बीच का हिस्सा हटाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बीच का हिस्सा हटाएंगे, आराम से हमको हटाने क्योंकि हमको उसकी देखिए अंदर का हिस्सा निकाल दिया। अब हम इसमें से इस तरह से करके ये देखिए कटोरियां निकाल लेंगे, इसी तरह से और निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमारी ये कटोरियां निकल आई, और भी इसी तरह से हम निकालेंगे। ये देखिए हमारी कटोरियां सब निकल आई हैं। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। देखिए अब हम इसमें इस तरह से फिलिंग भरेंगे अच्छी तरह से दबा दबा कर। देखिए हमने भर ली, इसी तरह से हम और भरेंगे। ये देखिए सभी कटोरियां हमने भर के तैयार कर ली हैं। और हम ये मैदा तैयार करेंगे, घोल बनाएंगे इसका, एक घोल बनाएंगे। तो इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये पानी डालेंगे इस तरह से। पतला घोल बनाना है इसको, पहले हम अच्छी तरह से इसको थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े। देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके और पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरह का हमको घोल चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, इस तरह का हमको घोल चाहिए। ये हमारा बन के तैयार है। अब हम अपनी कटोरियों को फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है और हम इसमें अपने कटोरियां बनी हुई डालेंगे। देखिए इसको हमें इस तरह से बनाना है, ऊपर से हम इस तरह से इसको इस तरह से डुबो लेंगे। ये देखिए इस तरह से डुबो ली और इसको हमने हटा दिया। अब हमें इसमें इस तरह से डालना है, ब्रेड क्रम्स लगा देंगे ये देखिए, और इसको उठा करके हम
इस तरह से हम डालेंगे इसको, इसी तरह से हम और सभी डाल देंगे। ये इस तरह से डाल लिए, इसी तरह से हल्की हल्की आंच पे हमको इसको सेंकना है। देखिए इसको पलट देंगे, देखिए हमारी प्याज की कटोरियां बनकर के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।